विक्रांत रोना किस फेमस कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड है? फैंटम के टाइटल को बदलकर विक्रांत रोना क्यों रखा गया? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, विक्रांत रोना आजकल लगातार चर्चा में बनी हुई है। जब से इस अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, ऑडियंस इस पिक्चर के लिए काफी फैसिनेटेड नजर आ रही है। विक्रांत रोना में हमें एक फेमस कॉमिक कैरेक्टर को सुपर हीरो फीचर फिल्म में देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, खिच्चा सुदीप की इस अपकमिंग फिल्म के लिए ऑडियंस बेहद उत्साहित नजर आ रही है। वेल, किस कॉमिक पर बेस्ड है विक्रांत रोना का प्लॉट, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पहले विक्रांत रोना का टाइटल फैंटम रखा गया था, बाद में इसको चेंज करके विक्रांत रोना किया गया। दोस्तों, अगर आप कॉमिक्स के फैन रहे हैं तो जरूर से जरूर आप फैंटम को जानते होंगे। फैंटम एक फेमस सुपर हीरो कैरेक्टर है कॉमिक सीरीज का। इंडियन कॉमिक इंद्रजाल ने इस कैरेक्टर को अडॉप्ट किया था अमेरिकन कॉमिक से। दोस्तों, फैंटम का काम होता है कि वो एक फिक्शनल लैंड बांग्ला में ग्रीडी और क्रुएलिटी को मिटाने के लिए वहां की जंगलों में पहरा देता है। एक मिथ में ये भी कहा गया था कि फैंटम बेसिकली एक घोस्ट है जो इनोसेंट लोगों की रखवाली करता है जिन पर इनजस्टिस किया जाता है बंगला लैंड में। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो बंगला रीजन है वो एशिया के ही वेस्ट बंगाल इलाके से बिलोंग करता है, तो कुछ लोगों की ये स्टोरी लाइन होती है कि बेसिकली ये बंगला लैंड अफ्रीका के घने जंगलों से बिलोंग करता है। इसी प्लॉट को खिच्चा सुदीप अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोना में अडॉप्ट करने वाले हैं, जिसमें बादशाह हमें देसी फैंटम के रूप में नजर आएंगे। वह जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस अपकमिंग फिल्म का पहले टाइटल रखा गया था फैंटम, बाद में इसको चेंज करके विक्रांत रोना किया गया। वेल, इसके पीछे की असल वजह फैंस ही हैं। हुआ यूं कि इस अपकमिंग फिल्म को लेकर जब मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली तो उस जगह पर फैंटम ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन बेसिकली ट्रेंड हुआ विक्रांत रोना। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें।